आदाब सत श्री अकाल नमस्ते, मैं हाँ ढाडा गुरप्रीत ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आई एम गुरप्रीत, जिथे साडी कोशिश हुंदी है कि असी अपने शरीर नूं फिट रख सकीए। उत्थों ही अपने आस पास दे जिहड़े साडे हिस्टोरिकल प्लेस आ उन्हां दे बारे जानकारी इकट्ठी करके बाकियां तक भी पहुँचा सकीए। इस बार असी जावांगे गुरद्वारा गाना साहिब ते दर्शन करांगे कि इह गुरुआं पीरां ते देवी देवतियां दी धरती है। जिथे इत्थे भगवान कृष्ण जी आए उत्थे ही मीरी पीरी दे मालक बंदी छोर साहिब हरगोबिंद साहिब जी इत्थे आए। ये पिंड बोदला जिथे असी अज मौजूद हाँ दसूहे तो उत्तर वल 5 किलोमीटर की दूरी से स्थित है। इत्थे है गुरद्वारा गाना साहिब जो कि रेलवे स्टेशन तो 2 किलोमीटर की दूरी उत्ते स्थित है। किसी समय यह राजे विराट की नगरी सी क्योंकि इत्थे संघना जंगल सी, इस कारण पांडवों ने अपने आखिरी साल भी इत्थे ही बिताया। अद विच इत्थे मुसलमान आके बस गए जो कि 1707 ईस्वी नूं रामगढ़िया मिसल दे अधीन आ गए। इलाका सरदार जोत सिंह रामगढ़िया जी कोल आया जिन्हां ने बाद विच इत्थे गुरद्वारे की उसारी करवाई। इस गुरद्वारे की कुछ समा निहंग जथेबंदियों ने भी सेवा की। उत्थे 1974 तो श्रोमणी प्रबंधक कमेटी इस गुरद्वारे का प्रबंध चला रही है। गुरद्वारा गाना साहिब का इतिहास। जदों पातशाही छेवीं बंदी छोर श्री गुरु हरगोबिंद जी जहांगीर की कैद विचों छुट दिवाली मौके अमृतसर आए तो इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ होया। इस इकट्ठ विच दुआबे के काफ़ी सिख गए हुए सन। उन्हें बेनती की कि गुरु जी साढ़े दुआबे विच चन्न पा संगतां नूं निहाल करो। सतगुर ने बेनती मनते 1677 नूं गुरमत का प्रचार करते ते शिकार करते पिंड बोदलां पुजे। ये सारा पिंड गन्ने का संघना जंगल सी ते जदों गुरु जी जंगल विचों लंघ रहे सन तो गन्ने का एक सुक्का छापा गुरु जी के चोले नूं लग गया। गुरु जी घोड़े तो उतरे ते सिंघां नूं हुक्म दिता कि ये छापे नूं जमीन अंदर गड़ दिओ ते बचन कीता जिवें तू सानूं अटकाया है इसे तरह संसारी जीवां दीआं अटकां दूर करेगा, जो भी तेरी छूह प्राप्त करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इस मगरों गुरु जी गुरमत का प्रचार करते हुए मकेरियां थानी नशहरा पत्तन पुजे जिथे दी वह ब्यास नदी पार कर गुरदासपुर पहुँचे। आजो गुरद्वारा साहिब के दर्शन करते हाँ तो प्राप्त करते हाँ गुरु घर दीआं खुशियां। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, 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 सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, 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 जीवन मुक्त करे उदीना, दूजी इस नगर विच दो बार आए। दूजी बार आप करतारपुर थाने हुंदे म्याणी टांडा मूनका ते अंत पिंड बोदलां पुजे। इत्थे जिथे गन्ने का सुक्का छापा जमीन अंदर गड्डिया सी वो एक वड्डा दरख्त बन चुका सी। आप जी इस इलाके विच गुरमत का प्रसार करन लई इस गन्ने दे हेठां डेरा ला लिया। ये बोदलां पिंड दे रहण वाले चूर बाबी ने गुरु जी नूं कीर्तन सुनाया ते कीर्तन सुन आप जी बहुत प्रसन्न होए ते आप जी ने एक रबाब चूर बाबी नूं दे दित्ती ते इलाके दे आस पास गुरमत प्रचार करन लई कहा। चूर बाबी बाद विच बोदलां पिंड छड झिंगड़ कला आ गए ते फिर इन्हां दा खानदान पंजाब दी वंड समय पाकिस्तान चला गया, पर गुरु जी द्वारा दित्ती रबाब इसी तरह हरगोबिंदपुर पुज गई ते अज किसी डेरे अंदर मौजूद दसी जाती है। सिख संगतां दी काफ़ी देर तो मंग है
कि ओ रबाब मुड़ संगतां दे दर्शन लई गुरद्वारे गन्ना साहिब मीरी पीरी दे मालक दी निशानी वजो रखी जावे, जिस लई लगातार जतन जारी ने। ਇਹ ਬੋਦਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਨਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੱਟਿਆ ਪਰ ਬੂਟਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ गन्ने के बूटे नूं जड़ों पट के ही सट दिता, पर रात नूं उस दे सुपने विच आकाशवाणी होई कि यह बूटा जुगो जुग अटल रहेगा, तू इस नूं नहीं पुट सकता। जदों उसने सवेरे उस बूटे नूं देखिया तां वह खूब लहरा रहा सी। वह गन्ने का बूटा अज भी हरा भरा उस तरह लहरा रहा है, अपनी छूह नाल संगतां दीआं मनोकामनां पूरियां कर रहा है। गुरु साहिब दे कोतक नाल इस गन्ने की महत्ता बहुत बढ़ गई है। इत्थे लोकी इस दी छूह प्राप्त कर अपनियां मनोकामना पूरियां करदे रहे। सतगुर पारस परसे, सतगुर पारस परसे, सतगुर पारस परसे, तन तन करे मनूर मलीना, तन तन करे मनूर। गुरुद्वारे दे कार्यकाली मैनेजर रतन सिंह गुरुद्वारे दा प्रबंध बहुत बढ़िया तरीके नाल चला रहे ने। इस गल दी गवाही गुरुद्वारे दी अंदर दी सजावट आप पर दी है। गुरुद्वारे अंदर बहुत ही सुंदर फुल लगाए हुए ने। इत्थे ही तुसी फ्री विच गुरमत लिटरेचर भी लै सकते हो। गुरुद्वारे का लंगर हाल काफ़ी बड़ा ते साफ सुथरा है, जिथे 24 घंटे ही लंगर अटुट चलता है। उत्थे ही इलाके दी ते दूरों आ संगतां सेवा करदियां ने ते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करदियां ने। इत्थे बहुत सुंदर सरोवर बनिया होया है जिथे इशनान कर सकते हाँ। उत्थे ही दूरों आईया संगतां लई बहुत सुंदर रूम बनाए हुए ने, जिन्हां अंदर बिना खर्चे दे रुकिया जा सकता है। गुरुद्वारे की नवी बिल्डिंग तैयार हो रही है। इसकी सेवा कार सेवा वाले संत भूरी वाले बाबा जी करा रहे ने ते संगतां नूं बेनती है कि आप जी इस गुरु के कार्य लई वध तों वध संयोग करो। इत्थे 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन बहुत वड्डी मात्रा विच संगतां कट्ठियां हो विसाखी का मेला मनाउंदियां ने ते नाल ही गुरु हरगोबिंद साहिब का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इत्थे संगरांद दी संगतां इकट्ठियां हुंदियां ने ते नाल ही इत्थे सालाना कीर्तन दरबार भी कराया जाता है। गुरुद्वारे वालों हरेक साल समय समय से गुरमत प्रचार लई वख वख कैंप लाए जाते ने ते नाल ही मिक समागम कराए जाते ने। मैं एक छोटी जिही कोशिश कीती है कि तहानू धार्मिक स्थान ते गुरद्वारे बारे जानकारी दे सकां। उम्मीद करदा हाँ आप दी जानकारी विच वाधा होया होवेगा। वीडियो दे अंत विच कई बारी शब्दां दी गलती हो जांदी है ते कई बारी इतिहास नूं दसदे इतिहासिक तत् लुक जांदे ने, इसलिए मैं पूरे संगतां तों माफ़ी मंगदा हाँ ते उम्मीद करदा हाँ तहानू वीडियो चंगी लगेगी। तुसीं अपना एक्सपीरियंस सानू शब्दा राही वीडियो के हेठा दस सकते हो।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।